इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसीबी डीजी बीएल सोनी का रिटायरमेंट होना है। आपको बता है एसीबी मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा, तो ही एसीबी मुख्यालय के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। एसीबी की उपलब्धियों को लेकर मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी, तो ही एक साल में हुई कार्रवाई की मीडिया को जानकारी देंगे। आपको बता है 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर है बीएल सोनी, जिनका आज रिटायरमेंट होना है। जयपुर कमिश्नरेट के पहले कमिश्नर रहे बीएल सोनी। एसीबी में रहते हुए 2 साल में 1010 ट्रैप की कार्रवाई की है, तो ही 2 साल में 1148 भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा है। इसके अलावा 2 जिला कलेक्टर और 1 आईपीएस को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी भेजा है। सोनी ने एसबी में कई सुधार और कई नवाचार भी किए हैं। राजस्थान की जनता के बीच जाकर जनसंवाद किया, तो वही रिवॉल्विंग फंड की स्थापना पर पीड़ितों को राशि दिलवाई, तो वही एसबी आपके द्वारा अभियान की छेड़ी मुहिम। संक्षिप्त पर्चे के लिए मैं अनुरोध करूंगा, और इन्होंने पिछले 2 वर्षों में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। इन्हें अपनी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है। पुष्पगुच्छ द्वारा श्रीमान का स्वागत। पुलिस मुख्यालय में तैनात है। आपने 2021 में सर्वाधिक ट्रेप करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, देखिए आज बीएल सोनी का रिटायरमेंट होना है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं और लंबे समय से पुलिस महकमे में रहे हैं। आज जो एसीबी के डीजी पद से जो बीएल सोनी आज रिटायर हो रहे हैं, और आज जो एसीबी मुख्यालय है उसमें एक भव्य आयोजन जो है, विदाई समारोह जो है, आज बीएल सोनी साहब का वो आयोजित किया जाएगा। और उससे पहले मीडिया के समक्ष जो 2 साल बीएल सोनी साहब जो एसीबी मुख्यालय में रहे और एसीबी के डीजी के पद पर रहते हुए उन्होंने जो कार्रवाइयां की हैं उसकी जो ब्रीफिंग है वो यहां पर एसीबी मुख्यालय में मीडिया के समक्ष की जाएगी। और बड़े ही अच्छी बात यह है कि एसीबी ने इन 2 सालों के दौरान करीब 1010 से ज्यादा रिश्वतखोरों को पकड़ा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2022 की अगर बात करें तो एसीबी ने राजस्थान में करीब 1148 भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें से 1010 ट्रैप की कार्रवाई है, 65 जो मामले हैं वो आय से अधिक संपत्ति के, साथ में 73 जो पद का दुरुपयोग के मामले में यहाँ पर कार्रवाई की है। अगर बात करें तो एसीबी ने 1291 मामलों का इस पूरे जो कार्रवाई हुए हैं उनका निस्तारण भी किया है, जिसमें से 1051 मामलों में चालान पेश किया, शायद ही 240 ऐसे मामले थे जिसमें एफआर लगाई है। और अच्छी बात यह भी रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे यहाँ पर एसीबी ने अपनी इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जिसमें 2 जिला कलेक्टर साथ में 1 घूसखोर आईपीएस है उसको भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो एक बहुत अच्छा कार्यकाल यहाँ पर बीएल सोनी साहब कर रहा है और उनके निर्देशन में लगातार अच्छे कार्य भी हुए हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि एसीबी केवल कार्रवाइयां ही करती है, घुसखोरों के खिलाफ कार्रवाई करती है, जब बल्कि सुधार और कई नवाचार भी उन्होंने किए हैं, जिसमें अगर अपन बात करें तो लोगों को जागरूक करने के मकसद से उन्होंने विभिन्न संस्थाओं और जो समाज के साथ मिलकर उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम किए हैं पूरे राजस्थान के अंदर। टोल फ्री नंबर जो 1064 होता है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो शुरू किया था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा 51 गांवों का चयन इन्होंने किया था एसीबी ने, जिसमें इनके कार्यकाल में, जिसमें ग्राम सजग ग्राम योजना जो थी वो शुरू की थी, और इस योजना के तहत जो गांव के जो लोग थे उन 51 गांवों को में रहने वाले लोगों को शपथ दिलाई गई कि वो ना ही तो रिश्वत लेंगे और ना ही रिश्वत देंगे। 300 गांव इस पूरे गांव के जो लोग थे वो जुड़े थे इससे। इसके अलावा एक जो मुहिम जो छिड़ी थी कि एसीबी आपके द्वार, ये एक मुहिम बहुत अच्छी रंग लाई थी, क्योंकि अब परिवादी को चूंकि अब एसीबी मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा, उनको सिर्फ एक मैसेज करने की जरूरत पड़ती है और खुद एसीबी उनके पास जाएगी और जाने के बाद पूरी कार्रवाइयों को, उसकी समस्याओं को जानेगी, उसके बाद अपने आप प्लानिंग करते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करेगी। क्योंकि चूंकि ये बहुत ही अच्छी योजना थी, चूंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई परिवादी जो था वो एसीबी मुख्यालय आता था तो उसकी भनक जो है वो सामने वाले अधिकारी को लग जाती थी, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक कार्रवाइयां फैल होती थी। तो ऐसे में इस एसीबी आपके द्वार जो योजना शुरू की थी, मुहिम शुरू की थी, उसका
कहीं ना कहीं लाभ भी मिला, और इसी के चलते एसीबी जो थी वो केवल जयपुर में रहने वाली टीम से ही केवल जयपुर में नहीं करवाती थी, बल्कि जयपुर की टीम जाकर के उदयपुर में भी कार्रवाई कर रही है, उदयपुर की टीम जाकर के बारा में कार्रवाई कर रही है। तो एक जिले की जो टीम है एसीबी की वो दूसरे जिले में जाकर कार्रवाई कर रही है। तो एक ही बहुत अच्छा जो योजना थी जो इन्होंने शुरू की थी, इसके अलावा एक रिवॉल्विंग फंड की इन्होंने स्थापना की थी जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा का जो रिवॉल्विंग फंड था जिसमें कमजोर वर्ग के जो शिकायतकर्ताओं के लिए पैसा दिया गया था कि आप हमारे यहाँ से पैसा लीजिए और उन कार्रवाइयों को करवाइए। इसके अलावा करीब 57 पीड़ित ऐसे आए थे जिनको उन्होंने 42 लाख रुपए की जो रकम है वो दिलाई है उनको, और इतना ही नहीं अच्छा काम करने वाले कार्मिक जो थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पहली बार ऐसा हुआ था कि जिसमें डीजीपी जिसके हाल ही में 5-6 दिन पहले यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा जो काम था नवाचारों का जो काम था वो एसीबी मुख्यालय में यहाँ पर डीजी बीएल सोनी के निर्देशन हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।